चलिए दोस्तों, विनिंग विथ E4 पर्थ डिफेंस के सामने आज ये दूसरा वीडियो है। E4 ये हमारी पैटर्न मूव है। E4 के सामने कैरोकान खेली जाती है, सिसिलियन खेली जाती है, E5 के लिए बहुत सारी लाइन है, लेकिन सभी के लाइन सामने मैं आपको पूरी लाइन बताऊंगा, पूरी ओपनिंग तैयार करवाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपने देखा था E4 D6 देन D4 ब्लैक प्लेस नाइट F6 नाइट C3 और यहाँ पे अलग अलग मूव्स मतलब C6 और C6 या फिर नाइट BD7 देखा और अर्ली E5 भी देख लिया। C6 के बारे में मैंने दो लाइन लास्ट टाइम दिखाई थी। C6 के सामने आपको खेलना है F4, ये याद रखना है, C6 के सामने ऑलवेज F4। अब मैंने दो लाइन तो दिखा दी थी नाइट F4 के बाद ब्लैक प्लेस नाइट BD7 और ब्लैक प्लेस क्वीन C7। आज दो लाइन और मैं दिखाऊंगा और ब्लैक प्लेस E6 और ब्लैक प्लेस D5। ये दोनों तो पहले देखेंगे ब्लैक प्लेस E6। चलिए E6 के सामने आपका रिप्लाई होगा नाइट F3। अब देखो ये कोई भी ओपनिंग है, आप सोचोगे इतने सारे मूव्स याद कैसे रहेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक ले लेना है जो मैं ओपनिंग तैयार करवाता हूँ। वन बाय वन सारे पेज अपने हाथ में रखो, गेम खेलो ऑनलाइन, मूव्स जितने याद आए इतने करो, भूल गए तो देख के मूव करो। ऐसा करने के बाद तुरंत आपको नेक्स्ट गेम में वो मूव्स याद रह जाएंगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे। ये सिंपल तरीका है, कभी भी रट्टा नहीं मारना है, ये याद रखो ओपनिंग में। तो चलिए यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया E6, व्हाइट खेला नाइट F3, अब ब्लैक खेलेगा बिशप E7, क्योंकि F4 हो गया है, जल्दी कैसलिंग का आइडिया है। यहां आपको तुरंत ब्रेक लेना है E5 से, नाइट D5 ये बेस्ट चॉइस होता है, पॉन टेक्स पॉन ज्यादा अच्छा नहीं है। नाइट D5 में आपको इस पोजीशन में ध्यान रखो, इस पोजीशन में नाइट एक्सचेंज नहीं करना है, नाइट सेंट्रलाइज करो, नाइट E4 विथ थ्रेट ऑफ नाइट D6। अब ब्लैक रिप्लाई देगा D x E5, यहां आपको D takes E5 करना है। यहां पे आपको करना है F x E5, मैंने पहले भी बताया था कि F5 फोड़ने है। अब ब्लैक रिप्लाई देगा H6, जरूरी है वरना बिशप G5 करके आपकी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाती है। यहां पे आपको एक वेटिंग मूव करना है A6 ताकि कभी भी बिशप और नाइट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सके, वेटिंग मूव है यहां पे। ब्लैक रिप्लाई देगा इस पोजीशन में B5 और यहां पे आपको खेलना है बिशप D3। ये मूव नंबर हो गए 10। ओके, F4 उसके बाद E6 देखा हमने। आज मैं आपको चार लाइन बताऊंगा, ये चारों चार याद रखो, F4 के बाद के चार मूव्स। यहां F4 करने के बाद पहला आप देखे है E6, दूसरा देखेंगे D5। तो D5 में आपको क्या करना है, एडवांस कर देना है E5, नाइट E4, ये ब्लैक की बेस्ट मूव होती है। यहां पे आप एक्सचेंज कर लो आराम से और D takes E4 हैंगिंग पॉन हो जाएगा E पॉन। उसके बाद आपको सिंपल नाइट E2 करना है, ब्लैक रिप्लाई देगा F5 पॉन को सपोर्ट के लिए और यहां आपको C4 करना है, F5 भले यहां पे रहे कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक रिप्लाई देगा E6 और उसके बाद आपको खेलना है नाइट C3। तो ये पोजीशन काफी हद से व्हाइट के फेवर में। चलिए एक शॉर्ट लाइन है ब्लैक का, एक जो रिप्लाई है E6 के बदले अर्ली B5। E6 और यहां पे E6 के बदले ब्लैक तुरंत B5 करता है, जैसे कि नाइट पे प्रेशर देके यहाँ पे नाइट takes E4 आइडिया है।
यहाँ आपको स्टॉप करना है बी फोर को ए थ्री करके। अब ब्लैक रिप्लाई देगा जी सिक्स, ये पर का पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है बिशप जी सेवन से, और यहाँ आपको खेलना है बिशप डी थ्री, और उसके बाद नाइट एफ थ्री और शॉर्ट कैसल और क्वीन ई वन आइडिया है यहाँ पर। चलिए फोर्थ वेरिएशन जो है आइडिया क्या है यहाँ पे, ये खास ध्यान रखो, नाइट एफ थ्री देन शॉर्ट कैसल देन क्वीन ई वन क्वीन एच फोर और किंग साइड अटैक। चलिए एफ फोर में बिशप जी फोर, जब आप एफ फोर करते हो तो तुरंत बी जी फोर से क्वीन पे अटैक, यहां आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ना तो नाइट इंटरपोज करना है, यहां पे सिंपल क्वीन डी थ्री। ब्लैक रिप्लाई देगा जी सिक्स, उसके बाद एच थ्री। अब बिशप यहां पे बैक जाना पड़ेगा, डी सेवन के अलावा और कोई बेस्ट चॉइस नहीं। बी डी सेवन के बाद आपको खेलना है जी फोर, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप जी सेवन, और उसके बाद आपको खेलना है बिशप ई थ्री, और उसके बाद का प्लानिंग आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग कैसल का आइडिया है, नाइट एफ थ्री बिशप ई टू और बिशप जी थ्री दोनों ओर से आप एक्टिव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पर्क डिफेंस। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि किंग्स इंडियन आजकल बहुत फेवरेट है, किंग्स इंडियन। तो किंग्स इंडियन के सामने मैं आपको एक मूव बता दूंगा, मैंने जो कॉलेज सिस्टम बनाया था, कॉलेज सिस्टम के लाइन में डी फोर नाइट एफ सिक्स एन एफ थ्री ये कोले प्लेयर खेलते हैं, और यहां पे ज्यादातर लोग जी सिक्स करते हैं। अब इसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, व्हाइट से बहुत परेशानी है, ब्लैक की बहुत ही स्ट्रांग लाइन है, इसके लिए मैं क्रैकिंग मूव लाया। यहां पे आपको खेलना है नाइट सी थ्री, देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा। मैं बहुत सारे गेम जीत भी चुका हूं ऐसे खेल के। बी जी सेवन और उसके बाद आपको खेलना है ई फोर, यहाँ फोर्स रिप्लाई होता है डी सिक्स, अदरवाइज ई फाइव बहुत डेंजर मूव आता है। तो डी सिक्स के बाद यहाँ पे आपको खेलना है बिशप जी फाइव, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप जी फोर, और यहाँ पे सरप्राइज मूव है क्वीन डी टू, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप टेक्स एफ थ्री, जी टेक्स एफ थ्री, कैसलिंग साइड आपका ब्रेक करना है जानबूझ के, क्योंकि जानते हो कि ब्लैक कैसल करेगा और आपको ये अटैक मिलेगा। तो जी एफ उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट बी डी सेवन, यहां आपको खेलना है बिशप एच सिक्स, ब्लैक रिप्लाई देगा कैसल, और यहां आपको कर देना है लॉन्ग कैसल। और इस पोजीशन में ये पोन एफ थ्री पे क्या कर रहा है, आप सोचोगे एफ थ्री पे क्या कर रहा है, बहुत जरूरी है ये मूव, क्योंकि ब्लैक अगर सी फाइव करके ब्रेक लेना चाहता है तो ई डी फाइव करके ये जो आपकी पोन चेन बन रही है ब्रिलियंट, कुछ ब्रेक नहीं होगा इसके बाद, ध्यान रखो। और कई बार यहां पे एच फोर एच फाइव नाइट टेक्स एच फाइव रुक टेक्स एच फाइव जी टेक्स एच फाइव एंड क्वीन जी फाइव एंड गेम विल बी ओवर, ये प्लानिंग रहता है। हालांकि ब्लैक इसके रिप्लाई देता है, लेकिन आपका आइडिया मैंने बता दिया कि इस लाइन के पीछे ये आइडिया था इस मूव के पीछे। तो चलिए यहाँ पे हमारे किंग्स इंडियन डिफेंस के सामने खेलने वाली लाइन मैंने इसके ई फोर की लाइन के साथ में जोड़ दी है, सीरीज हमारी E4 की कंटिन्यू रहेगी। ये बीच में मुझे आज याद आया कि किंग्स इंडियन डिफेंस के बारे में भी आपको बता दूं, एक शॉर्ट लाइन है, बहुत ही मजेदार है, और व्हाइट से आप काफी अटैकिंग इस गेम में खेल सकते हो। तो दोस्तों नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, और भी बहुत सारे ओपनिंग सीखनी बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आपको वन बाय वन पूरी मेरी वीडियो जो मेरी जो चैनल है उसमें ज्यादातर आपको सिर्फ ओपनिंग ही सीखने को मिलेगी। बीच बीच में मैं एंड गेम और मिडल गेम के वीडियोस बनाता हूँ जो आपके बहुत काम में आएंगे।
जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।